गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में चैप्टर 8 लेखन में आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, वाक्य पढ़कर उसका लेखन करो। रीड एंड राइट द सेंटेंस। पहले कौन सा सेंटेंस दिया गया है? अमर कसरत कर, रमा आम खा, आशा पाठ याद कर, किरण इमली ला, विजया सितारा बजा, अमीना ईद आई, वसीम घड़ी पहन, कुसुम मुख साफ कर, रामू काजू खा, तू गाय का दूध पी, बेला एक केला खा, नैया पानी में तैरती है, मैं ऐनक पहनता हूँ, मोहन टोकरी उठाओ, कौआ उड़ गया, मौलिक औषधि लाया, गंगा पतंग उड़ाती है, ऋषुए बदलती है, वृक्ष फल देता है, चांद रात को निकलता है। ये आपको सामने वाले जगह में पूर्णा है। चौथा क्या दिया गया है? हिंदी वाक्य और उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ो और लिखो। रीड द हिंदी सेंटेंस विथ इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड राइट इट। मैं सतीश हूँ। आई एम अ सतीश। तुम दीपाली हो। यू आर दीपाली। मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। यह लड़का है। दिस इज अ बॉय। वह लड़की है। दैट इज अ गर्ल। मुझे खेलने में मज़ा आया। आई गॉट प्लेजर इन प्लेइंग। अनिल ने बस का टिकट लिया। अनिल टूक अ बस टिकट। मेरा स्कूल अच्छा है। माई स्कूल इज गुड। यह आम खट्टा है। दिस आम इज श्योर। मेरी नाक छोटी है। माई नोज इज स्मॉल। यह गेंद है। दिस इज अ बॉल। यह गेंद छोटी है। दिस बॉल इज स्मॉल। ये लड़के है। दिस आर बॉयज। वे लड़कियां है। दोज आर गर्ल्स। मेरी पुस्तक अच्छी है। माई बुक इज गुड।